हेलो स्टूडेंट्स, अपने क्लास 11th का जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी सब्जेक्ट है, कृषि जीव विज्ञान, उसका दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं। और इस दूसरे लेसन का आज अपने करेंगे पार्ट नंबर 3। और इस पार्ट के अंदर अपना टॉपिक होगा कोशिका। मतलब पादप कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो पादप कोशिका में काफ़ी सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। पहले अपने उनके नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में हरित लवक, 3 नंबर आ जाएगा अंतद्रव्य जालिका, 4 जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 4 नंबर गोल्जी का है। फिर अपने बात करें केंद्रक, राइबोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम, 8 नंबर आ जाएगा इसमें रिक्तिका, ठीक है, रिक्तिका या रिक्तिकाएं। तो इस प्रकार पादप कोशिका के अंदर ये कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक कोशिकांग और होता है सूत्रकणिका, तारक का है, ठीक है। तो ये कोशिकांग पादप कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में अपने जो शुरू वाले 3 कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और अंतद्रव्य जालिका, इन तीनों के बारे में अपने पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पहले अपने इन्हें साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अपने हेडिंग लगाते हैं मेन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले अपने बात करें कि किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, सबसे पहले अपने बात करें खोज या डिस्कवरी, तो खोज में 2 वैज्ञानिक आते हैं, फ्लेमिंग, फर्स्ट है फ्लेमिंग व अल्टमान। फ्लेमिंग और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है। फिर अपने बात करें नाम कि किस वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। तो यहां पर साइंटिस्ट आ जाएगा सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को अपने सूत्रकणिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। याद रखना अपने, माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकणिका एक ही बात है। कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग और अल्टमान ने। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने, ठीक है। आगे इसके बारे में और पॉइंट पढ़ने से पहले अपने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाने के बाद जो दूसरे पॉइंट हैं उनको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से अपने माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में आसानी से पढ़ सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का कोशिकांग है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। तो इसमें 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, इस प्रकार एक झिल्ली ये बना ली, इस प्रकार अंदर की ओर अपने दूसरी झिल्ली बना देती हैं, इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार की यहां पर एक और संरचना पाई जाती है, ठीक है। और क्या पाया जाता है इसमें? डीएनए, इस प्रकार,
डीएनए, राइबोसोम, और बीच में ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। इस डायग्राम के अपने नाम लिखते हैं, तो सबसे देखिए बाहर की ओर क्या होता है, सबसे इधर है बाहरी झिल्ली, इसे अपने क्या बोलते हैं, बाहरी झिल्ली। और अंदर की ओर ये है, इसे अपने क्या बोल देंगे, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्थान होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, परिकला अवकाश, परिकला अवकाश। ठीक है, कि सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली है उसे अपने बोला है बाहरी झिल्ली, फिर जो अंदर की ओर झिल्ली है उसे अपने बोला है आंतरिक झिल्ली, दोनों झिल्लियों के बीच में जो फ्री स्पेस होता है उसे अपने बोलते हैं परिकला अवकाश। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आंतरिक झिल्ली है उस पर अंगुली के समान संरचनाएं बनी हुई हैं। ठीक है, जो अंगुली के समान संरचनाएं बनी हुई हैं उन्हें अपने क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये क्या है, क्रिस्टी। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक झिल्ली पर इस प्रकार की एक संरचना बनी हुई है, इसे अपने बोलते हैं F1 कण। क्या बोलते हैं, F1 कण, या इसे अपने ऑक्सीसोम भी बोल सकते हैं, ऑक्सीसोम। ठीक है, फिर अपने बात करें यहां पर ये जो संरचना है ये क्या है, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम। आपने याद रखना है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है, 80S। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का राइबोसोम होता है, और वो कौन सा होता है, 70S राइबोसोम। यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे मान लो यहाँ पर अपने बनाते हैं एक, ये यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम है। ठीक है, इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये क्या है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक कोशिका में खुद का राइबोसोम होता है, लेकिन वो कौन सा होता है, 80S। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, और वो कौन सा होता है, 70S। तो याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें अपना खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका के पास कौन सा राइबोसोम होता है, 80S, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक पाए जाते हैं उनमें कौन सा राइबोसोम होता है, 70S। ठीक है, राइबोसोम के बाद यहां पर ये जो संरचना बनी हुई है ये क्या है, डीएनए। ठीक, और बीच में ये जो सारा यहां पर द्रव भरा हुआ रहता है इसे अपने क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, या इसे अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, आधात्री। ठीक, तो यहां पर ये अपना डायग्राम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। इस डायग्राम को देखकर अपने इसकी संरचना का वर्णन कर सकते हैं। शुरू वाले अपने पॉइंट क्या पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपने क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को अपने सूत्र कणिका भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला साइंटिस्ट है अल्टमैन और फ्लेमिंग। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने प्रदान किया था, तो नाम देने वाला साइंटिस्ट है सी बेंडा। फिर अपने ये बनाया है डायग्राम, तो डायग्राम को देखकर आप इसकी संरचना का वर्णन कर सकते हो। किस प्रकार कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों से घिरा होता है। दोनों झिल्लियों के जो बीच का स्थान होता है उसे अपने कहते हैं परिकला अवकाश। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है उसे अपने बोलते हैं आधात्री, और आधात्री के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, 70S राइबोसोम होता है, और आंतरिक झिल्ली पर कौन से कण पाए जाते हैं, F1 कण, जिन्हें अपने ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ठीक है, और
अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में पॉइंट बताने हैं। इसके अलावा आपने कौन कौन से पॉइंट बताने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपने ऊर्जा का ग्रह भी बोलते हैं या शक्ति ग्रह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर हाउस मतलब शक्ति ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया को अपने पावर हाउस भी बोलते हैं। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, या कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है, इसी कारण इसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑक्सी श्वसन से संबंधित होता है, ऑक्सी श्वसन से संबंधित। मतलब संजीवों में जो श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन से संबंधित कौन सा कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया। कि माइटोकॉन्ड्रिया के बिना ये जो ऑक्सी श्वसन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, इसी ऑक्सी श्वसन के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, और इसी एटीपी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है, अच्छी तरह से आप इसे देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपका जो फर्स्ट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया वो कंप्लीट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में पढ़ेंगे अपने लवक के बारे में, इसी लवक के अंदर ही आ जाएगा हरित लवक। तो पादप कोशिका का दूसरा कोशिकांग है लवक, हेडिंग अपने लगाते हैं लवक। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। तो सबसे पहले अपने बात करें कि लवक नाम किसने दिया था। ठीक है, कि सबसे पहले ये जो शब्द है लवक, ये किसने प्रदान किया था, तो वैज्ञानिक है शिम्पर। वैज्ञानिक का नाम क्या है, शिम्पर ने सबसे पहले लवक शब्द प्रदान किया था। वर्णकों के आधार पर, किसके आधार पर, वर्णक मतलब रंगों के आधार पर, लेकिन यहां पर अपने रंग शब्द का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे यूज, वर्णक। वर्णकों के आधार पर जो लवक है इसको तीन भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर, वर्णकों के आधार पर। लवक कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में। ठीक है, कौन कौन से, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है, कि वर्णकों के आधार पर लवक को तीन भागों में बांट देते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। जो हरित लवक होता है, जो हरित लवक होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। किस में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, हरित लवक के अंदर कौन से वर्णक पाए जाते हैं, हरित लवक के अंदर पाया जाता है पर्णहरित, पर्णहरित। दूसरा कैरोटीनॉइड। ठीक है, जो हरित लवक है ये भी कोशिकांग है, इस कोशिकांग के अंदर कौन से वर्णक पाए जाते हैं, पर्णहरित और कैरोटीनॉइड, और इसका काम क्या होता है, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा अपनी बात करें, ये हरित लवक किस रंग का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये हरे रंग का होता है। और जो वर्णी लवक है, दूसरा कौन सा है, वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या करते हैं, वर्णी लवक जो ये रंगीन कलर के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये रंगीन कलर के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं, मतलब ग्रीन कलर को छोड़कर जो दूसरे कलर हैं उनमें आते हैं ये वर्णी लवक। इन वर्णी लवकों का क्या काम होता है, ये वर्णी लवक जो परागण की प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया,
परागण की प्रक्रिया। परागण की प्रक्रिया में ये वर्णी लवक कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपने देखते हैं कि जो फूल होता है, फूल रंग बिरंगे होते हैं, लाल, पीले, गुलाबी, अलग अलग जो रंग हैं वो फूलों के होते हैं। उनमें कौन से वर्णक पाए, उनमें कौन सा लवक पाया जाता है, वर्णी लवक। उन्हीं फूलों के रंगों के कारण, लाल, पीले, नीले, जो भी फूलों के रंग होते हैं, सफ़ेद, उनकी ओर क्या होते हैं, कीट आकर्षित होते हैं। तो वो कीट जब उन फूलों पर बैठते हैं, फिर उन फूलों पर बैठने के बाद वो दूसरे फूलों पर बैठेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर परागण होगा। तो परागण की प्रक्रिया में ये वर्णी लवक क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो अवर्णी लवक हैं ये किस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं रंगहीन, मतलब इनका कोई भी कलर नहीं होता, ये रंगहीन होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये खाद्य पदार्थों को संचित करते हैं, खाद्य पदार्थों को संचित करते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है कि वर्णकों के आधार पर लवक तीन प्रकार के हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। अवर्णी लवक अवर्ण मतलब जिसका कोई भी रंग नहीं है, वो किस प्रकार के हैं, रंगहीन है, और इनका काम क्या होता है, खाद्य पदार्थों को संचित करना। वर्णी लवक क्या होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, जो चमकीले कलर होते हैं, लाल, नीला, पीला, इस कलर के जो वर्णक हैं वो इस सभी इसमें आ जाते हैं, वर्णी लवक में। और इनका काम क्या होता है, परागण की प्रक्रिया में ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं हरित लवक के बारे में। आपने जो आपकी बुक है 11वीं क्लास की, इसमें हरित लवक के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है, जो वर्णी लवक और अवर्णी लवक इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। बस जितना आपको बता दिया इतना ही पढ़ना है वर्णी और अवर्णी में। डिटेल में अपने किसके बारे में पढ़ना है, हरित लवक के बारे में। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हरित लवक में, कि हरित लवक पत्तियों की, कौन सी पत्तियों की, जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं, ठीक है, पत्तियों की पर्णमध्योत्तक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पर्णमध्योत्तक कोशिकाओं में। पेपर में पूछा जाता है कि हरित लवक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हरित लवक पर्णमध्योत्तक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पर्णमध्योत्तक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पत्ती है, ये पत्ती की ऊपरी सतह है और ये पत्ती की निचली सतह है। ऊपरी सतह और निचली सतह, इन दोनों सतहों के बीच में जो स्थान होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, पर्णमध्योत्तक। और उस भाग में जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें अपने क्या बोलते हैं, पर्णमध्योत्तक कोशिकाएं। पर्णमध्योत्तक भाग कौन सा होता है, कि ऊपरी सतह, पत्ती की ऊपरी अधिचर्म और पत्ती की निचली अधिचर्म के बीच का जो स्थान होता है उसे अपने बोलते हैं पर्णमध्योत्तक। और उस भाग में जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें अपने क्या बोलते हैं, पर्णमध्योत्तक कोशिकाएं। और वहां पर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। फिर अपने पढ़ते हैं हरित लवक की संरचना के बारे में, लेकिन संरचना को पढ़ने से पहले अपने इसका बनाते हैं डायग्राम। इस प्रकार हरित लवक भी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, मतलब इसमें भी दो झिल्लियां पाई जाती हैं। इस प्रकार ये अपने बना दी इसकी दोनों झिल्लियां, ठीक है। फिर इस दोनों झिल्लियों के जो अंदर वाला भाग है वो दो भागों में बंटा हुआ रहता है। कौन कौन से दो भागों में, एक तो ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हिंदी में बोलते हैं पिट्ठिका। अंदर वाला भाग है वो दो भागों में बंटा हुआ है, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो सबसे पहले अपने बनाते हैं ग्रेना। ग्रेना का निर्माण कई सिक्के नुमा संरचनाओं के मिलने से होता है, मतलब ये सिक्के नुमा संरचनाएं हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे एडजस्ट होकर किसका निर्माण करती हैं, एक ग्रेना का, ठीक है। और ये जो सिक्के नुमा संरचना है ना, एक इसे अपने क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। तो अब मैं ऐसे बोलूंगा कि कई सारे थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होकर किसका निर्माण करते हैं, एक ग्रेना का। इस प्रकार ये थाइलेकोइड
मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ग्रेना का। ठीक है, यहां पर बना देते हैं एक। इस प्रकार और इनको जोड़ने वाली ये पट्टिकाएं होती हैं। ये आप कैसे भी बना सकते हो पट्टिकाएं। तो ये डायग्राम है हरित लवक का। ठीक है, अपने इसका नाम लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। ये है इसका राइबोसोम और इसमें भी डीएनए होता है। ये अपने बना देते हैं इसका डीएनए इस प्रकार। ठीक है, अपने नाम लिखते हैं सबसे बाहर की ओर। ये क्या हो जाएगा, बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली अंदर की ओर क्या हो जाएगा, आंतरिक झिल्ली। और दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान है उसे अपने क्या बोलेंगे, परिकला अवकाश। क्या बोलेंगे, परिकला अवकाश। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो एक सिक्के नुमा संरचना है इसे अपने क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। तो ये जो संरचना है इसे अपने क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड। ये है थाइलेकोइड। और इस पूरे बंडल को, ठीक है, ये जो पूरा बंडल है, ये जो पूरा बंडल है, इस बंडल को अपने क्या बोलेंगे, ग्रेनम। इसे अपने क्या बोलेंगे, ग्रेनम। और काफ़ी सारे ये बंडल हैं और काफ़ी सारे बंडलों को अपने एक समूह में रूप में यदि बोलना है तो वो क्या होगा, ग्रेना। अपने कह सकते हैं कि ग्रेना तो क्या है, बहुवचन है, और ग्रेनम क्या है, एकवचन। ठीक है, अपने यदि एक ही बंडल को बोलेंगे तो बोलेंगे ग्रेनम, और इन सभी बंडलों को संयुक्त रूप में बोलना है तो अपने बोलेंगे ग्रेना। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि थाइलेकोइडों का जो समूह होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और बीच में जो ये वाला भाग है ये क्या है, 70S राइबोसोम। क्या है, 70S राइबोसोम। अभी मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का राइबोसोम होता है, और वो कौन सा होता है, 70S राइबोसोम। ये क्या है, इसका डीएनए। और जो बीच वाला भाग है, ये इस बीच वाले भाग को अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा या पिट्ठिका। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा या पिट्ठिका। और ये जो पट्टिकाएं हैं, ठीक है, ये जो पट्टिकाएं हैं बीच में, इन्हें अपने क्या बोलते हैं, पिट्ठिका पटलिकाएं। इन्हें अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली या पिट्ठिका पटलिका। ठीक है, तो इन्हें अपने क्या बोलेंगे, पिट्ठिका पटलिका, पिट्ठिका पटलिका। तो ये एक कंप्लीट डायग्राम बन गया हरित लवक का। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हरित लवक में क्या पढ़ना है, कि हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये पत्ती की पर्ण मध्योत्तक कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक दो झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। दोनों झिल्लियों के जो बीच वाला भाग है उसको अपने दो भागों में बांटते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ठीक है, जो ग्रेना भाग है ये थाइलेकोइड से मिलकर बना होता है। थाइलेकोइड क्या है, सिक्के नुमा संरचनाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार एडजस्ट होकर एक बंडल का निर्माण करती हैं, और उस बंडल को अपने क्या बोलते हैं, ग्रेना। जो बाहर वाली झिल्ली है उसे अपने बाहरी झिल्ली बोलेंगे, अंदर वाली झिल्ली को आंतरिक झिल्ली। दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान है उसे अपने बोलेंगे परिकला अवकाश। ठीक है, इसमें 70S राइबोसोम होता है, इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हरित लवक होता है ये प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। किस में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण जब आप पढ़ोगे तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो किस में होती है? ग्रेना में। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के कौन से भाग में होती है, तो कौन से भाग में होती है? ग्रेना में। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो किस में होती है? स्ट्रोमा में या पिट्ठिका में। कौन सी? अप्रकाशिक। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। लास्ट में आपने यही याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक क्या था? सहायक था। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो ग्रेना में होती है और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, तो हरित लवक अपना कंप्लीट हो गया। हरित लवक के बाद में नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं अंतद्रवी जालिका। अंतद्रवी जालिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अपने शॉर्ट में लिख सकते हैं ER। ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक और R का मतलब रेटिकुलम। साथ साथ में आपने इंग्लिश में भी इनके नाम याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट अपना कोशिकांग है अंत द्रवी जालिका। अंतद्रवी जालिका इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले अपने बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो है पोर्टर। वैज्ञानिक आपने याद रखने हैं, कौन सा है? पोर्टर। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं कि पादप कोशिका के अंदर जो अंतद्रवी जालिका है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए पादप कोशिका में क्या था कि सबसे बाहर की ओर क्या थी? ये कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर क्या था? कोशिका झिल्ली। ये अपने मनादी कोशिका झिल्ली। ठीक है, बीच में यहां पर क्या था? केंद्रक। तो ये यहां पर अपने बना दिया एक छोटा सा केंद्रक इस प्रकार। ये क्या है? केंद्रक। इस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में नलिकाओं का एक जाल पाया जाता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में नलिकाओं का एक जाल पाया जाता है जिसे अपने क्या बोलते हैं? अंतद्रवी जालिका। इस प्रकार ठीक है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में नलिकाओं का एक जाल पाया जाता है उसे अपने क्या बोलते हैं? अंतद्रवी जालिका। ये जो अंतद्रवी जालिका है ये दो प्रकार की होती है। प्रकार की बात करें तो अंतद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक तो चिकनी, चिकनी अंतद्रवी जालिका जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी खुरदरी, खुरदरी अंतद्रवी जालिका जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपके सामने है ये है स्मूथ, मतलब चिकनी अंतद्रवी जालिका और खुरदरी अंतद्रवी जालिका में क्या फर्क होता है कि जो चिकनी अंतद्रवी जालिका होती है उसकी सतह पर जो राइबोसोम होते हैं, क्या राइबोसोम, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। चिकनी अंतद्रवी जालिका की जो सतह होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते और जो खुरदरी अंतद्रवी जालिका होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम, राइबोसोम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर अपने डायग्राम बनाए यदि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, तो उसकी जो सतह होगी
उसकी सतह पर क्या प्रेजेंट होंगे, ये राइबोसोम है। मैं यहाँ पर ये जो दानेनुमा संरचनाएं बना रहा हूँ ये क्या है, राइबोसोम। ये राइबोसोम अंतद्रव्य जालिका की जो सतह होती है उस पर पाए जाते हैं इस प्रकार। अब आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सी है, ये कौन सी अंतद्रव्य जालिका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब चिकनी अंतद्रव्य जालिका है। क्यों है, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है। और ये कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। क्यों, क्योंकि इसकी सतह पर जो राइबोसोम है वो उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है अंतद्रव्य जालिका के अंदर कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज की थी किसने, की थी वैज्ञानिक है पोर्टर। और ये दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब होता है कि जिसकी सतह पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कौन सी होती है कि ऐसी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये दो प्रकार की थी, स्मूथ और रफ। और ये पाई कहाँ पर जाती है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में नलिकाओं का समूह पाया जाता है। और नलिकाओं के इस समूह को अपने क्या बोलते हैं, अंतद्रव्य जालिका। तो आज की इस वीडियो में अपने तीन कोशिकांग कंप्लीट हो गए, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और अंतद्रव्य जालिका। यदि आपको इन तीनों कोशिकांगों में कोई भी डाउट हो तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कोशिकांगों के साथ।